अपनी भाषा तो ना छोड़ो मेरी माँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग याद रखना अच्छा है, पर इसका प्रयोग करना गलत है। वहां प्रयोग करो जब आप विदेश जाओ, कोई आपकी भाषा ना समझे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि कोई हिंदी ना समझ रहा हो तो आप इंग्लिश में बात करें, पर जहां हिंदी समझने वाला कोई है तो वहां आपको राम राम से ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। सबको राम राम, सबको जय श्री मन्नारायण, सबको जय श्री सीताराम, राधे राधे, यहां से शुरू होनी चाहिए। क्यों जी, कहां से शुरू होनी चाहिए? राम राम, हाउ आर यू सी शुरू नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू डू, क्या मतलब है इसका? हम क्यों बोले आपसे इंग्लिश? हम भी चाहें तो आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। हम बिल्कुल इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, जहां जरूरत पड़ती है वहां कर लेते हैं, जितनी आवश्यकता है काम चलाऊ चल लेते हैं, काम ही तो चलाना, उतना बोल लेते हैं आपस में। पर नहीं, हम कथा में नहीं बोलते ज्यादा, ज्यादा क्या बोलते ही नहीं, 1% नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम भगवान की कथा, हमारे भारत में हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जिस भाषा में हमारे राम को समझा जा सकता है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जरा एक बात समझो, हमारे यहां रामायण संस्कृत में थी, बोलो हाँ या ना। संस्कृत में क्या थी? जोर से, रामायण आज भी संस्कृत में है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि संस्कृत तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, और जब ये भाषा नहीं समझ पाएगा तो राम को नहीं समझ पाएंगे। तो राम को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया, एक ऐसी भाषा जो गांव गांव में अनपढ़ लोग बोलते हैं, बिल्कुल भारतीय मूल भाषा का प्रयोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसलिए किया कि उस राम को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, उसे गांव की सामान्य झाड़ू पोछा लगाने वाली अम्मा भी जान पाए। खेत, खेती किसानी करने वाला सामान्य सा अनपढ़ किसान भी उस राम को जान पाए, और राम को तब जान पाएंगे जब राम को जानने के लिए सरल भाषा में वो ग्रंथ तैयार किया गया। मतलब कुल मिलाकर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है, हाँ या ना। इसलिए अपनी भाषा से प्यार करो, इंग्लिश के 4 अक्षर बोलकर अपने आप को अंग्रेज ना मानो। अंग्रेजों का, अंग्रेज लोग टाई पहनते हैं। टाई क्यों पहनी जाती है? क्योंकि पश्चिमी जितने भी देश हैं वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, और जहां सर्दी होगी वहां नाक बहेगी, तो नाक बहेगी तो बार बार रुमाल निकालना भी सही नहीं है, तो टाई लगा लेते थे, माँ गड़े में पहना देती, इसी से नाक पहुंचते जाना। नाक पहुंचने का एक कपड़ा था, बाद में वो फैशन बन गया। जहां ठंडी है वहां तो टाई की जरूरत है नाक पहुंचने के। तुम्हारे भारत में थोड़ी ठंडी है इतनी ज्यादा बारह में जो टाई पहने घूम रहे हो। तुम अक्लहीन हो और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो तो तुम्हारी बुद्धि का हम क्या करें। वहां पर कोट पहना जाता है। कोट इसलिए पहना जाता है क्योंकि वहां 12 महीने सर्दी होती है। इतनी सर्दी होती है कि ऊपर घर पर खप्पर पर 1-1 फीट बर्फ जम जाती है। वहां कमरों में, प्रत्येक कमरे में, वॉशरूम में हीटर लगाया जाता है। वहां के घर, आपके घरों में हीटर नहीं होता प्रत्येक कमरे में, वहां पर नीचे लकड़ी का फर्श होता है और उस पर मोटा सा कारपेट बिछा होता है गरम वाला, जो हीट करता है कमरे को। क्योंकि ठंडी इतनी होती है कि आदमी मर जाए, वो कमरे, वो घर ऐसे बनाते हैं कि ये गरम रहे। तो वहां सर्दी है इसलिए वो 12 महीने कोट पहनते हैं।
लेकिन आज भारत में गर्मी में भी साहब फैशन पर कोट बोले पहनते हैं कोट। अरे पगले, वो इंग्लैंड है, वो दूसरा देश है, तुम भारतीय हो, यहाँ गर्मी भयंकर कोट पहन के घूम रहे हो। हद होती है ना, नकल भी करनी नहीं आई, मतलब समझ ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ कॉटन हल्के कपड़े पहनो, सर्दी आ गई तो स्वेटर पहन लो, मोटे कपड़े पहन लो, गर्मी आ गई तो पतले कपड़े, अब हमेशा कोट टाई। तुम्हारी थोड़ी नाक बह रही है जो टाई पहने घूम रहे हो। आजकल स्कूलों में टाई बच्चों को पहनाते हैं, मतलब हद होती है मूर्खता की। रह रहे हैं भारत में, अरे भारत का पहनावा धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता में बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। ये भारत है, ये इंग्लैंड नहीं है। यहां का बच्चा क्यों टाई पहन के जाए स्कूल, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, धोती कुर्ता पहन के जाना चाहिए। हम भारत में हैं, हम इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड का बच्चा जाए टाई बेल्ट बैच पहन करके, हम भारत के हैं। हमारा, हमारे महाराणा प्रताप ने क्या पहनकर युद्ध किया हल्दी घाटी का, बताओ जरा पहनावा। शिवाजी क्या पहनते थे, झांसी की रानी ने क्या पहनकर युद्ध किया, फिर और आप ना टाई बेल्ट बैच, ठीक है, क्या बताएं साहब, पूरी संस्कृति नष्ट करके रखी है। विचारों का बिल्कुल स्वाहा हो गए विचार,